हमारे पास देख लीजिएगा अगर वो पैकेज है तो। मैंने बेतहाशा काम किया है सारिम भाई के साथ, और बेतहाशा काम किया है। सारिम बर्नी का नाम दुनिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अगर कहीं हक के लिए कोई लड़ा है, खड़ा हुआ है, लोगों के लिए काम किया है, तो वो सारिम भाई हैं। तो मैं आपसे सिर्फ तालियां ज़रा ज़्यादा होनी चाहिए, ये कम है, ये कम है। थैंक यू। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस रमज़ान और इसके बाद भी आप सारिम भाई को मत भूलिए। सारिम भाई का एक ख्वाब है, ये पीछे जो आप फुटेज देख रहे हैं ये इनका ख्वाब है। ये यहाँ पर एक शेल्टर होम बना रहे हैं, और इस शेल्टर होम में कितने सारिम भाई कितने बताए थे कितने लोग होंगे? शुरुआत जो है वो 100, फिर 200, फिर ये 1000 कमरों तक के जाए। 1000, और ये 1000 कमरों में एक कमरे में कितने होंगे? किसी में 7, कम से कम जो है 7 हैं। तो ये हाउस करेगा, ये शेल्टर होम हाउस करेगा तकरीबन 7000 लोगों को, 7000 बेघर लोगों को हाउस करेगा ये शेल्टर होम, 7000। और आप ये देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि मुसलसल ये काम जो है ये जारी है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जेन्युइनली दिस इज़ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने आगे बढ़ के सारिम भाई के लिए काम करना है। देखिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अडॉप्ट कर सकते हैं, एक कमरा ले सकते हैं, या मतलब आप जो जिस तरह से भी आप चाहें आप सारिम भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। आप मुझे बैंक बताएंगे कौन सा बैंक है? ये तमाम बैंकों में, किसी भी बैंक में, किसी भी ज़कात अकाउंट खाली जो है वो मीज़ान के अंदर है। अच्छा, ज़कात अकाउंट खाली मीज़ान बैंक में है। वैसे आप किसी भी बैंक में जाके सारिम बर्नी ट्रस्ट के अंदर ये अपने डोनेशन जो हैं वो दे सकते हैं। ये याद रखिए, एक नहीं, दो नहीं, 7000 लोग तकरीबन इसके अंदर रहेंगे, इस शेल्टर होम के अंदर। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट शेल्टर होम होगा जिसके अंदर वो खाएंगे भी, पिएंगे भी, रहेंगे भी, और उनको ज़िंदगी की सारी सहूलियात जो हैं वो भी मैसर होंगी। और यू नो, मेरी बहुत शदीद ख्वाहिश है, बहुत शदीद ख्वाहिश है कि यू नो, ये इसको बनाने में हम सारिम भाई की हेल्प करें, इसको बनाने में हम सारिम भाई की हेल्प करें। सामने सामने नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं, और इन नंबर्स को पे कॉल करने के बाद आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और मैं ये आपको इनसे पूछे बगैर कह रहा हूँ, आपको जब सारिम बर्नी ट्रस्ट को विज़िट करना हो आप जा सकते हैं, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर मिलती है, आपको पता होता है कि आपने जो पैसा दिया है वो लगेगा कहाँ। सो मेरे ख्याल में इससे बढ़ के कोई और सदका नहीं हो सकता, खैरात नहीं हो सकती, अतिया नहीं हो सकता कि आप सारिम बर्नी ट्रस्ट को हेल्प करें। हेल्प अस मेक दिस, ये ख्वाब जो है इसको पूरा करने में आप हमारी मदद करें। और आई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।